झारखंड की राजधानी रांची में बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम अभी पुलिस बल की तैनाती के बीच शुरू हो गया है। इस दौरान रांची के HEC इलाके के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के पंचमुखी मंदिर के पास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी के दौरान ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का स्थानीय लोगों ने किया था विरोध। बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को शुरू करने की पहले भी प्रशासन ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते उन्हें काम अधूरा रोककर वापस जाना पड़ा था। हालांकि प्रशासन ने मंगलवार को लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू करने के लिए कई जवानों को इस दौरान तैनात किया। उसमें बिना किसी नियम या कानून के किसी को भी अधिकार नहीं कि कोई बाधा पहुंचाए, तो बहुत बार इसमें लोगों से वार्ता भी हुई है। किसी का कोई नियम या कानून का उल्लंघन ऐसा कुछ है तो बात रखी गई है। इसमें यहाँ पे एक सरकारी परियोजना चल रही है जिसमें कि सब कुछ जो है विधिवत हो रहा है, तो उसमें पुलिस और प्रशासन यहाँ पर सिर्फ इसलिए तैनात है कि कोई भी विधिवत काम सरकारी काम हो रहा है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना करे, ना ही कोई लोगों को र्यूमर फैलाकर उनको बरगलाकर या विधि व्यवस्था की स्थिति क्रिएट करने का प्रयास भी करे उसको रोकने के लिए यहाँ पुलिस बल तैनात। पीएम मोदी ऑनलाइन कर चुके हैं शिलान्यास। 1 जनवरी को इस प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से किया था। लाइट हाउस में 1008 फ्लैट बनाने का काम मुंबई की कंपनी मेसर्स SGC मैजिक्रेट को मिला है, लेकिन कंपनी के लोग पंचमुखी मंदिर में प्रोजेक्ट शुरू करने पहुंचते हैं तो आसपास के लोग विरोध करने लगते हैं। लोगों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट गैर जरूरी है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मैदान से कई लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और हम किसी भी हालत में ये जमीन सरकार को नहीं देंगे। इसके लिए बस्ती बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता CM हेमंत सोरेन से जल्दी मिलने जाएंगे और अपनी बात राज्य सरकार के सामने रखेंगे। यह है कि एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी काम तो शुरुआत किया जाएगा। आम जनता बहुत दिन तक इंतजार किए, विरोध करना उनका शौक नहीं था। डेली कमाने खाने वाले लोग प्रतिदिन विरोध नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद आज भी विरोध की आवाज को पुलिस बल के माध्यम से जो दबाया गया, हम कहेंगे ये लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाए नहीं। आज अगर पुलिस बल के आधार पर कोई भी काम शुरुआत हो जाएगा तो कहीं पर भी इस तरह के काम को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आने वाले दिनों में और विरोध तेज होगा, देखेगा। आज चूंकि मंगलवार का दिन, लोग हाट से जुड़े हुए हैं, लोग कामकाज में निकल गए और अचानक काम शुरू हुआ, किसी को प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमको लगता है कि ये जो हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसके खिलाफ में सरकार के मंत्री तक मिलने के, मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो मिलने और हमारी फरियाद जो आम जनता की फरियाद है। हमारा लाइट हाउस परियोजना का बनाने का विरोध नहीं था, हमारा विरोध था ये मैदान का, जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का मैदान, जो राष्ट्रीय धरोहर, जहां पर मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जैसी टीमें आकर के खेली, आज उसको ध्वस्त कर दिया गया। आज कोरोना, वहीं अधिकारियों का कहना है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण यहां होकर रहेगा। कहना है कि ये खेलने कूदने का मैदान है, इस मैदान को इस तरह से उजाड़ देना अच्छी बात है। और ये कोई खतियान में मैदान करके नहीं था, खाली जमीन थी, इसको सरकार ने इस परियोजना के लिए लिया है और घर उन्हीं लोगों के लिए बन गए हैं। और आप देखेंगे कि काफ़ी छोटे छोटे शैंटीज टाइप के, आर्ट के, मोटिव के घर, मतलब अच्छे नए तकनीक के इस्तेमाल किए हुए अच्छे फ्लैट बनेंगे, तो ये लोग भी अप्लाई करके ले सकते हैं और वो उनके अपने खुद के हक के घर होंगे। और इस घरों को लेने के लिए हमने काफ़ी बैंकों के साथ अंडरस्टैंडिंग के साइन किए हैं, सीमलेस वे में लोगों को 15 साल का लंबा ड्यूरेशन का लोन भी मिल सकता है। और इतने अच्छे प्राइम जगह पे, इतने देश की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए हुए, इतने फास्टेस्ट वे में 1008 घर बन रहे हैं, तो हमारे लिए सरकार के लिए भी काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है और खुशी भी होनी चाहिए सब लोगों को कि हमारे छोटे छोटे जो यहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोग हैं जिनके आने वाले दिनों में आवास की जरूरत बढ़ती ही जाएगी, उन लोगों के लिए ये एक अच्छी उपलब्धि है। बता दें कि इस मैदान में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण होना है। इसके तहत शहरी ग्रामीणों के लिए अत्याधुनिक तकनीक से 1000 फ्लैट बनाए जाने हैं, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। रांची से आशुतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।